तो आईपीएल 2023 की लीग के 70 रोमांचक मैचेस के बाद, प्लेऑफ के धमाकों के बाद आखिरकार आ चुका है वो रविवार जिसका हम सबको था इंतजार, जिसमें होने जा रही है आईपीएल की द ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम, एमएस धोनी वर्सेस हार्दिक पांड्या। देखिए वैसे तो दोनों कप्तानों का, दोनों खिलाड़ियों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जिस उम्र में आज पांड्या आईपीएल जीत रहे हैं उस उम्र में एमएस धोनी इंडिया को कभी वर्ल्ड कप जिताया करते थे, लेकिन फिर भी दोनों के कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो दोनों को कांटे की टक्कर का कैप्टन बनाते हैं, एटलीस्ट आईपीएल में, जो इस फाइनल को पलट कर रख सकते हैं और कोई भी जीत सकता है। देखिए साल 2008 में धोनी की एंट्री आईपीएल में हुई थी, उसके बाद चार बार चेन्नई की टीम ने आईपीएल जीता, साल 2010, 11 और उसके बाद 18 और 21 में। इन सभी चार सीजन में एमएस धोनी की परफॉर्मेंस उनकी ऑल टाइम पीक पर थी। और 2015 में दोस्तों अगर आपको याद हो तो हार्दिक पांड्या ने एमआई की टीम में कदम रखा और उसके बाद भी मुंबई की टीम चार बार जीती और इन चार बार जीते हुए सीजन्स में हार्दिक पांड्या की भी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। लेकिन अब बात इस सीजन की होगी। देखिए साल 2023 में आपने अगर गौर फरमाया हो तो ये दोनों टीमें हमेशा पॉइंट्स टेबल में नंबर वन की पोजीशन के लिए जोरों शोरों से लड़ रही थी। हर इनके दूसरे मैच में कभी गुजरात नंबर वन होती थी तो कभी चेन्नई की टीम नंबर वन पर होती थी। हालांकि लीग मैचेस खत्म होते होते गुजरात की जो टीम थी उसने जीते 10 मैचेस और 20 पॉइंट्स बनाए और चेन्नई की टीम ने 8 मैचेस जीतकर 17 पॉइंट्स सिक्योर किए। और केवल इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि आईपीएल में अब तक गुजरात और जो चेन्नई का आमना सामना है वो चार बार हुआ है, जिसमें से चेन्नई बस एक बार जीता है, वो भी अभी हाल फिलहाल में जो प्लेऑफ खेला गया था चेपॉक के मैदान में। इन दोनों टीमों के पास साथ ही कुछ ऐसे ट्रंप कार्ड्स भी हैं जो हमें फाइनल को और रोमांचक बनाते नजर आएंगे। पहले गुजरात की टीम पर नजर डालते हैं। देखिए कप्तान पांड्या को हटा दें तो इस टीम के पास चार ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस समय आईपीएल में पर्पल और ऑरेंज कैप लेकर बैठे हैं। हम बात शुभमन गिल, राशिद खान, डेविड मिलर और मोहम्मद शमी की कर रहे हैं। ये चार मजबूत स्तंभ गुजरात की टीम के कुछ ऐसे हैं कि इन्हें हिला पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन दिखा है इस पूरे सीजन में। शुभमन गिल की बैटिंग हो, शमी के विकेट्स लेना हो, डेविड मिलर का मैच पलटना हो, राशिद खान का बॉलिंग और बैटिंग में सपोर्ट बनकर आना, ये किसी भी टीम के खिलाफ कारगर साबित हुए हैं। लेकिन चेन्नई की टीम को कम मत आंकिएगा। भले ही आज चेन्नई की टीम से नाम निकल गए हैं लेकिन धोनी ने इस सीजन में बहुत बड़े बड़े नाम बना दिए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर गुजरात के पास शुभमन गिल हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के पास हैं। भले ही उन्होंने शतक ना लगाए हों लेकिन उनके रन्स ऑलमोस्ट शुभमन गिल के बराबर ही मिलेंगे आपको इस सीजन में। और मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे भी तो हैं। इनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीजन काफी ज्यादा तूफानी रही है, मतलब कि अगर गेम चेंज करना हो, बड़ा स्कोर बनाना हो तो ये भी चेन्नई के लिए कारगर रहेंगे। उसके बाद तुषार देशपांडे और पथिराना की गेंदबाजी तो आपको पूरे सीजन में दिखी होगी। गेंदे कम फेंकी, रन्स कम दिए लेकिन विकेट्स ज्यादा लिए हैं, तो ये दोनों गेंदबाज भी कहीं ना कहीं गुजरात के सामने चेन्नई के लिए एक ट्रंप कार्ड बनेंगे। लेकिन असली ट्रंप कार्ड तो दो ही हैं, एमएस धोनी वर्सेस हार्दिक पांड्या। जैसे कि हमने आपको शुरू में बता दिया था दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। धोनी तो सारे ही सीजन खेले हैं, ऑलमोस्ट 250 मैच हो चुके हैं, 5000 से ज्यादा रन हैं और पांड्या ने भले ही आधे मैच खेले हैं और आधे ही रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी पांड्या के अंदर वो काबिलियत जरूर है जो किसी भी टीम को हरा सकती है क्योंकि उनकी टीम इतनी सॉलिड बन चुकी है। लेकिन एमएस धोनी हर बार नई टीम बनाना जानते हैं और शायद ये धोनी का आखिरी आईपीएल भी हो सकता है। लेकिन आप सभी को क्या लग रहा है, ये रोमांचक फाइनल मुकाबला इन सब आंकड़ों के बावजूद भी कौन जीतेगा? क्या वो एमएस धोनी की चेन्नई होगी, क्या वो पांड्या की गुजरात टाइटंस होगी? आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।